सुन गोरा तन के। नमस्कार, मैं हूँ तृप्ता आर्या। रोहतक के न्यू चनोट कॉलोनी में अब हम पहुँचे हैं। यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है चुनावी मिजाज उस पर बात कर रहे हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता मिगलानी है। अनीता जी, क्या माहौल लग रहा है आपको 12 तारीख के लिए? क्या माहौल? बढ़िया लग रहा है, हम लोगों से मिल रहे हैं, वो सभी परेशान हुए पड़े हैं। हाल जो फिलहाल जो हालात हैं, लोग काफ़ी परेशान हुए पड़े हैं और सभी चाहते हैं कि कांग्रेस वापस आए। और हम लोगों के जैसे पानी की समस्या है या फिर सीवर की समस्या है या बहुत सी और भी बातें हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएँ। और बड़ी बेसब्री से सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वापस आए। अच्छा, अगर हम न्यू चनोट कॉलोनी की समस्याओं की बात करें, क्या बेसिक समस्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पानी की है। लगभग 4 साल 5 साल होने को आ रहे हैं, ये लोग शुरुआत से ही जब से ये सरकार आई है पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पानी यहाँ नहीं मिल पा रहा। दुख और दुर्भाग्य की बात ये है कि यहाँ के जो मंत्री जी हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने हाउस की जो अपना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग थी, लगातार उसके अंदर बात की पानी की, लेकिन पानी नहीं आया। और ना तो किसी अफसर का, ना शासन का, ना प्रशासन का, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कोई मतलब ध्यान भी नहीं दे रहा है। लोग टैंकर्स मंगवा रहे हैं, टैंकर्स के सहारे पानी पी रहे हैं, या फिर यहाँ वहाँ से लेकर आ रहे हैं। कोई मेडिकल से लेकर आ रहा है, कोई कहीं और से लेकर आ रहा है, लेकिन समस्या बहुत ज़्यादा है पानी की। देखो, दिल तो कह रहा है कि आनी चाहिए कांग्रेस सरकार। क्यों भाई? कांग्रेस का सहारा, हमारे गरीबों का सहारा बना हुआ था। गरीबों के लिए तो कांग्रेस अच्छी थी। ये जो आजकल की जो राजनीति आई है, ये तो मुंह देख बाटी के हो रही है। जिनकी जान पहचान होती है उनके काम हो जाते हैं। मैम, हम तो कांग्रेस को करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, कांग्रेस के राज में ये था कि जो बुढ़ा है, 60 साल का उम्र है, उसकी पेंशन बना दी जाती थी। आज ये है कि वो बच्चा 40 साल का है तो पेंशन बनेगी, या कोई स्कूल प्रूफ है तो बनेगी। अब जो पढ़ा ही नहीं है वो स्कूल प्रूफ कहाँ से लाएगा? जिनकी शादी जल्दी हो गई, बच्चा 40 साल का नहीं है, वो बुजुर्ग 60 साल का हो गया, तो वो पेंशन बननी चाहिए उनकी। तो ये पेंशन क्यों नहीं बन रही? हमें तो ये है, हम तो कांग्रेस के राज में ये नहीं था। वो नहीं कहते थे कि आपके वो कागज़ लाओ स्कूल के, या आपका बेटा 40 साल का होगा तब आपकी पेंशन बनेगी, ऐसा कुछ नहीं था। ये कांग्रेस सरकार तो बहुत अच्छी है। पिछली बार भी जब उन्होंने हमने वोट डाला तो कांग्रेस सरकार आई, तो उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन अब यहाँ पे तो पानी की समस्या कुछ ज़्यादा ही है। अब पानी नहीं होगा तो फिर पानी के बगैर तो जीवन ही नहीं है। सोच के रखा है कांग्रेस सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि गरीबों को थोड़ा भला हो जाएगा, किसी का सुनवाई हो जाएगी, और गरीब बंदे को नौकरी मिल जाएगी किसी को। हम तो ये कांग्रेस सरकार को ही हमेशा ही वोट किया है और करेंगे मरते दम तक। और इन्होंने, इस बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया गरीबों के हित के लिए। जो भी कोई काम किया, आयुष्मान योजना बिल्कुल फेल्ड हो गए। इनके जितने प्लान थे, 40 प्लान, एक भी प्लान कामयाब नहीं है। रोज़ अखबारों में आते हैं कि आयुष्मान योजना, लोग 2.5-2.5 लाख रुपए उधार लेके इलाज करवाते, कर्जा उठा के, और सुनवाई कोई नहीं है। ऊपर से कोई इनको सहायता किसी हॉस्पिटल में नहीं मिल रही, और कुछ भी नहीं है। और किसी को पता ही नहीं, जो जाता है उसके परिवार की मदद हेल्प बिल्कुल नहीं होते। और किसी को मकान देते हैं तो मकान कहते हैं तोड़वा के नक्शा बनवाओ, नक्शा बेचारा मकान तोड़वा के बैठा हुआ है 9 महीनों से। एक सरदार जी हमारे मोहल्ले में बैठा है, 9 महीनों से रेंट पे रह रहा है, गरीब आदमी है। वो कहता है मेरे को तो मकान बेचना पड़ेगा अब यहाँ से। हम तो कांग्रेस को देंगे। क्यों? क्योंकि पेंशन भी हमारी नहीं रुकी। क्यों रोकी पेंशन हमारी? बूढ़े आदमी पेंशन का सहारा, पेंशन रोक के बैठेगी ये भी? फिर कांग्रेस हमारी सुनाई करती है पूरी। मैं कांग्रेस को दूंगा, क्योंकि जो सेंटर में फिलहाल सरकार है वो जुमलेबाज सरकार है। धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ जुमले जुमले हैं बस, उसमें और कुछ नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से मैं दीपेंद्र हुड्डा के बारे में कहना चाहूँगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ सांसद का इसको पुरस्कार मिला है। व्यक्तिगत रूप से मैं इनको वोट दूंगा कांग्रेस को। तो आप देख सकते हैं न्यू चनोट कॉलोनी है ये, यहाँ पर हम लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? द्रौपदी। द्रौपदी, किसको वोट देंगे? कांग्रेस को दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ने, 3 बेटे हैं मेरे घर के अंदर, और नौकरी के लिए तड़फ रहे। गरीब आदमी को नौकरी, इंटरव्यू मेरा बच्चा पास कर दिया, पता है नीता जी को। और मैं सबके पास घूम ली बीजेपी वालों को, किसी ने मेरी सुनाई नहीं करी। आप देख रहे हैं, मुद्दा विकास का है, विकास को लेकर लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनका नेता कैसा हो, उनकी सरकार कैसी हो। हम आपको नज़ारा रोहतक के अलग अलग जगहों का दिखा रहे हैं, क्या मिजाज है चुनाव को लेकर, कैसे नेता चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब देखते रहिए इंडियाज़ 18। नमस्कार।